हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे एंटोनिम्स, विलोम शब्द, ऐसे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं। आई मीन टू से अपोजिट वर्ड्स, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द एंटोनिम्स कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्ड एग्जाम और इंग्लिश कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही सुपर डुपर रहने वाला है आज का वीडियो लेक्चर। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हमारी सभी वीडियोज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए, बल्कि उन स्टूडेंट के लिए भी जो कंपटीशन, इंग्लिश कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा के लिए कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश जरूरी है, इसेंशियल है, उनके लिए भी बहुत ही सुपर डुपर रहने वाला है आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने जा रहे हैं अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स वर्ड्स। एंटोनिम्स विलोम शब्द, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द। देख लेते हैं, वन साइड लिखा है वर्ड, दूसरी साइड लिखा है एंटोनिम, यानी शब्द और उसका विलोम। जिस तरह पहला वर्ड है अबव, ऊपर, इसका विलोम होता है बिलो, नीचे। यू आर वॉचिंग बी एल ओ डब्ल्यू, बिलो, नीचे, यानी कि अबव का एंटोनिम हो गया बिलो, नीचे। दूसरा वर्ड आज का एक्टिव, सक्रिय, इसका एंटोनिम होता है पैसिव, निष्क्रिय। एक्टिव का एंटोनिम होता है, अपोजिट होता है पैसिव, निष्क्रिय। यू आर वॉचिंग पैसिव, निष्क्रिय। एक्सेप्ट, ए डबल सी पी टी, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, किसी बात को मान लेना, इसका होता है उल्टा शब्द रिजेक्ट, अस्वीकार करना, इसका विलोम होता है, एंटोनिम होता है रिजेक्ट, अस्वीकार करना, मना कर देना। इसी तरह से अलाउ, अनुमति देना, और डिसअलाउ कहते हैं अनुमति न देना, अलाउ कहते हैं अनुमति देना, और डिसअलाउ कहते हैं अनुमति न देना। अटैक, आक्रमण, हमला करना, और डिफेंड कहते हैं इसका उल्टा रक्षा करना, यानी अटैक का एंटोनिम हो गया डिफेंड, अटैक का विलोम शब्द हो गया डिफेंड, एंटोनिम, एंटोनिम मींस विलोम शब्द। इस तरह से एबिलिटी कहते हैं योग्यता, और इन एबिलिटी कहते हैं अयोग्यता, इन एबिलिटी कहते हैं अयोग्यता। एंशिएंट कहते हैं प्राचीन, यानी पुराना, और मॉडर्न कहते हैं आधुनिक, यानी कि नया। बहुत ही अच्छा वर्ड है, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिशन इंग्लिश के लिए, एंशिएंट, प्राचीन, मॉडर्न, आधुनिक, नया, इसका उल्टा हो गया है, अपोजिट वर्ड हो गया। अरेस्ट, गिरफ्तार करना, और रिलीज कहते हैं छोड़ देना, मुक्त कर देना, गिरफ्तार करना का, यानी कि अरेस्ट का एंटोनिम रिलीज। इसी तरह से एक्यूरेट कहते हैं सही, सही, शुद्ध, और इसका एंटोनिम हो जाता है इन एक्यूरेट, गलत, यानी अशुद्ध। अलाउ कहते हैं स्वीकृति देना, और प्रोहिबिट कहते हैं मना करना। अलाउ का एंटोनिम हो गया प्रोहिबिट, अलाउ का अपोजिट वर्ड हो गया प्रोहिबिट। यू आर वॉचिंग एक्सीलेंट वोकैबुलरी में एंटोनिम्स, यानी के उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, अपोजिट वर्ड्स, यानी के एंटोनिम विलोम शब्द। अगला वर्ड देखते हैं अराइवल, आगमन, और इसका एंटोनिम होता है डिपार्चर, प्रस्थान करना, अराइवल आना, डिपार्चर चले जाना, डिपार्ट। एंजल, देवदूत, और डेविल होता है शैतान, यानी कि राक्षस। एंजल का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है डेविल, एंजल का अपोजिट वर्ड डेविल। इस तरह से अवेयर, सावधान, और इसका अपोजिट वर्ड होता है अनअवेयर, असावधान। इसी तरह से एडमिट, स्वीकार करना, और डिनाई कहते हैं
मना कर देना, इनकार कर देना, एडमिट का एंटोनिम हो गया मना कर देना का डिनाई। इसी तरह से बैरन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया आपके लिए, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बैरन बंजर, और इसका एंटोनिम हो गया फर्टिल उपजाऊ, बैरन का फर्टिल उपजाऊ अधिकतर पूछा जाता है वर्ड बैरन फर्टिल। बून वरदान, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वर्ड, बून वरदान कर्ष अभिशाप, यानी बून का एंटोनिम हो गया कर्ष मींस अभिशाप, बून होता है वरदान तो कर्ष कहते हैं अभिशाप, किसी को वरदान देना किसी को अभिशाप देना उसका उल्टा, यानी अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स। इसी तरह से अलर्ट सावधान, और इसका अपोजिट होता है केयरलेस लापरवाह, अलर्ट का अपोजिट वर्ड होता है वो होता है केयरलेस मींस लापरवाह। बोल्ड बहादुर, ये भी वर्ड एग्जाम में और कब इंग्लिश कंपटीशन में पूछा जाता है अधिकतर ये वर्ड, बोल्ड बहादुर टिमिड डरपोक। इस तरह से ब्राइट चमकीला डल भोंदू यानी मंदबुद्धि, यानी ब्राइट चमकीला होशियार जो मोस्ट इंटेलिजेंट है उसे ब्राइट कहते हैं, और इसका अपोजिट इसका ठीक उल्टा इसका एंटोनिम होता है डल भोंदू यानी मंदबुद्धि। इस तरह ब्रॉड चौड़ा और नैरो कहते हैं तंग संकीर्ण, ब्रॉड ब्रॉड वे चौड़ा रास्ता, नैरो वे संकीर्ण रास्ता तंग रास्ता। तो डियर स्टूडेंट्स डियर गाइस डियर फ्रेंड्स, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।